जैसे यूट्यूब पे देखा करती भी, हमेशा सर्च करती, जैसे कभी कहाँ का कभी कहाँ का, फिर मैं आपके उस पे आके टॉपिक पे रुक चुकी कि नहीं, मैंने इन्हीं मैडम की बातें भी कुछ अच्छी लगती हैं, तो मैंने इन्हीं से जाके मिलूंगी मैं एक बार। तो सब मुझे बोलते वहीं ऐसा क्या है, जयपुर में तो बहुत है, जैसे वहाँ पे बराला में है और 5 नंबर पे ही बताया हमको किसी ने। मैंने कहा नहीं, एक बार आप लेके चलो मुझे वहीं पे दूरबीन वाले हॉस्पिटल में, मैडम पकड़ने की तो है नहीं मुझे, बात तो करके जरूर आऊंगी उनसे। फिर कल आई और हाथों हाथ में डिसीजन ले लिया। हालांकि राठी में भी गई हुई थी मैं, लेकिन नहीं, फिर यहाँ का पूरा स्टाफ और सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे एक बार कि आप कहाँ से पधारे हैं। हम मैं नाम, अपना आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम सायर कंवर है और बगड़ मेरा ससुराल है लामा पास में, और अभी हम रहते ब्यावर हैं, तो मैं ओके, ब्यावर अभी से आई हूँ मैं। आप ब्यावर से पधारे हाँ, हमारे। ब्यावर से आई हूँ मैं। तो आपको क्या तकलीफ हो रही थी जिसके लिए ये आपको बच्चेदानी गायनेकोलॉजिस्ट की का जरूरत पड़ी? भी, बच्चेदानी प्रॉब्लम से, बच्चेदानी में क्या दिक्कत आ रही थी? वही जो गठान थी उससे। बच्चेदानी के अंदर गांठ थी, हाँ, तो उससे दिक्कत आपको तो क्या 10 साल तकलीफ से है? थी, लेकिन अच्छा, देख, 10 साल से आपको हाँ, सारी लेकिन मतलब प्रॉब्लम। ध्यान नहीं दिया उसका। 4 साल से मालूम चला कि जी जी कोई बोलता चने के बराबर है, फिर बोला ठीक हो गई। ओके, तो आपको कोई पेट में दर्द, महीना भर बहुत या ना ज्यादा पेट में दर्द रहता इतना था, दर्द रहता था कि उठा नहीं जाता था और मुझसे। आप 4 साल से इस बीमारी को झेल रहे हैं। चार मैडम आप तो पूछो मैं चार आधी से कैसे, ज्यादा तो डर के झेल रही है, इतना क्या बोलूँ इतना इलाज क्या दर्द होगा। मेरे कि मैं तड़पती हूँ आज भी, गोली खाती हूँ तो उठती हूँ मैं। तो अब आपका पूरा पक्का इलाज हो गया ना, आप गोली खाने की जरूरत है ना, दर्द से तड़पने की जरूरत है ना, किसी और की जरूरत है। अब तो एक बार लेके चलना ही, कहाँ जाना चाहती हूँ मैं, उसी अस्पताल में जाऊंगी दूरबीन तो वालों। आपको YouTube पे वीडियो देखने का आइडिया कहाँ से है? वो तो मैडम मैं सर्च करती रहती हूँ, ये देखो इनकी फोटो लगी बाहर, ये है वो मैडम, इनसे ही मिलना अपन को। चलो अच्छी बात है। तो ऐसे आप तो आपसे मुझे 2 महीने पहले पूछा भी था यहीं के आपके स्टाफ से, बोले फोन आप उनको कैसे करते जानती हो, तो मैंने बोला मैं तो यूट्यूब से जानती हूँ उनको। रहते। YouTube के एजुकेशनल वीडियोस इसी पर्पज से बनाए जाते हैं कि महिलाएं जो अपनी बीमारियों को पालती नहीं बेस्ट, रहती हैं, अच्छा और अब कई बार ये मिथ रहता दिमाग में कि जो फाइब्रॉइड है या बच्चेदानी की नहीं बताया गांठ था ना, है। बोले ये ऑपरेशन मत करवाना। अभी मैं जस्ट गांव से आई थी 10 दिन पहले, तो बोले ये वाला ऑपरेशन तो मत कराना, तो मैंने भी किसी को नहीं बताया, बोले इस ऑपरेशन में वापस वही तकलीफ रहेगी। हाँ, क्योंकि हाँ बहुत बड़ा मिथ है कि दूरबीन के हाँ ऑपरेशन में बच्चेदानी को जला देते हैं, पूरी नहीं निकालते हैं, पूरी गांठ नहीं अंदर निकालते। हाँ छोड़ते हैं। सही बोल रहे हो आप। अब आपने हाँ पूरी अपनी आंखों से देखी है कि पूरी बच्चेदानी बाहर निकली, पूरी गांठ बाहर निकली है, अंदर कोई बीमारी नहीं, और आपका नहीं, एक बार तो आज आप एक गलती करोगे आगे नहीं चलना के क्लिनिक, ये बताओ आप। हैं चलो अभी मेरे साथ गलत हो जाएगा और फिर कैसे ये आएंगी तो कोई भी, सोच की तो बात है ना। मतलब सबने मुझे मना ही कर दिया था कि ये तो करवाना ही नहीं है, बोला है। डेफिनेटली भाई यही अपन तो फायदा तो है दूरबीन के ऑपरेशन का। अब घर पे भी आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, नहीं, आप यहाँ अपना सारी घर का सुविधा काम मिल खुद गई। देख सकते हैं, हाँ घर जाके भी आप अपना देख सकते हैं। और आप अब जैसे आपका कल कितने बजे ऑपरेशन हुआ है? अब देखो 10 बजे 9-1 बजे के आसपास हुआ। रात को, और अभी कितने बजे? 3 बजे। तो अभी पूरे अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं आपके, आप अभी 9 बजने में 6 घंटे बाकी हैं, और उससे पहले तो आप डिस्चार्ज भी हो गए हैं, आप खुद चल के आए भी हैं, और आराम से आप इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं विद इन 24 आवर्स। मतलब दिस इज द मैजिक ऑफ द सर्जरी, ये दूरबीन के ऑपरेशन का फायदा है। ठीक है मैडम, ठीक है, हाँ ओके, नमस्ते। मैम के साथ होटल